हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक माय न्यू रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चिकन मखनी वाइट पुलाव। चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने 8 से 9 हरी मिर्ची को मिक्सर में मोटा मोटा पीस ली हूँ। फिर उसमें मैंने 1 किलो चिकन में उसको ऐड कर दी। फिर मैंने 3 से 4 उस टमाटर को स्लाइसेस में काट के उसमें ऐड कर दी चिकन में। फिर उसके बाद मैंने कटोरा भर के दही ली थी, वो भी ऐड कर दी। फिर 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसके अंदर ऐड कर दी। और अदरक लहसुन अच्छे से डालना और ज़्यादा डालना। और 4 से 5 तेज़पत्ता, फिर थोड़ा सा ज़ीरा जितना आप टेस्ट के हिसाब से है। फिर मैंने 2 चम्मच मैंने नमक उसके अंदर ऐड कर दी। फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला 2 चम्मच, कस्तूरी मेथी, उसको फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। और अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए उसको इसी तरह से रख देना। अगर आपके पास टाइम रहा तो आप पूरा फुल नाइट भी रख सकते हैं, या आधा घंटा पहले भी करके फिर आप पुलाव बना सकते हैं। फिर मैंने 5 से 6 कांदे को स्लाइसेस में काट के उसको अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक मेरे को फ्राई करना है। डार्क गोल्डन मत करना, एकदम हल्का सा गोल्डन, नहीं तो क्या वो कड़वापन आ जाएगा पुलाव में। इस तरह का गोल्डन फ्राई हो चुका है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश के लिए निकाल लूँगी। फिर उसी में मैंने जो चिकन को मैंने मिक्स करके रखी थी उसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना। और हल्के हाथ से मिक्स करना, ज़्यादा ज़ोर से मत करना, क्योंकि चिकन अपना आधा एक घंटा पहले, और मेरा तो 2 घंटा पहले मैंने उसको मिक्स करके रखी थी, और चिकन के जल्दी गल जाता है इसके लिए। और ये तो खाने में एकदम टेस्टी रेसिपी था। और अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा तो चिकन पुलाव सबको बनाने आता है, पर मेरे स्टाइल में बना के देखिए, और भी अच्छा लगेगा। फिर मैं 4 से 5 हरी मिर्ची उसके अंदर ऐड करी। ये तीखापन आपके टेस्ट के हिसाब से है, अगर आपको तीखा कम चाहिए तो कम ले सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर मैं गर्म पानी को बॉईल करके रखी थी। मैं हमेशा, आपको मेरी पहली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, मैं कभी भी पुलाव बनाती हूँ तो मैं उसमें गर्म पानी को ही अदन में डालती हूँ, डायरेक्ट मैं ठंडा पानी नहीं डालती। फिर मैंने 1 घंटा पहले चावल को भी धो के रखी थी चिकन के साथ, उसको भी उसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने चावल को भी मिक्स कर दी। फिर इसको हल्के से हाथ से मैं चला दूँगी। देखिए मेरा चावल आधे से ज़्यादा पक चुका है। फिर इस वक्त मैं क्या करूँगी, सिलो करके उसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी चावल को। और हमारा रेडी हो गया है चिकन वाइट पुलाव, और खाने में तो एकदम टेस्टी था। और ये झटपट बनने वाला है, जैसा अगर आपके घर में आधा घंटा पहले भी कोई मेहमान आए तो तुरंत आप बना के उनको खिला सकते हैं। और अगर ये रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अल्लाह।